कोशाम्बी कोखरास थाना क्षेत्र कोराव गांव निवासी रामदास पुत्र छेदीलाल के घर के बगल से 11,000 वोल्टेज की लाइन गई है। वहीं छोटी लाइन से अपने घरेलू जेट पंप के लिए कनेक्शन लिया है। बिजली तार की शॉर्ट सर्किट से उड़ी चिंगारी से छप्पर में आग लग गई। छप्पर के नीचे रखे खाने पीने की सामग्री और छप्पर के नीचे बंधे मवेशियों के बच्चे आग की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं एक बकरी की जलकर मौत हो गई। 5 कुत्तों के बच्चों की मौके पर झुलस कर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग बुझाने में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना पर डायल 112 और शहजादपुर चौकी इंचार्ज राकेश चंद्र शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल कर पीड़ित को सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। ये बताइए, ये घटना किस प्रकार से हुआ और कहां पे हुआ है? ये सर, मैं तो घर पे था नहीं, ठीक। मेरे मतलब एक साइड से आग लगाई गई है आग, ठीक सर। अब मैं जब आया, गाँव वाले तमाम लोग थे और फायर ब्रिगेड आया तब आग बुझी। मेरे एक बकरी का बच्चा जल गया, एक कड़वा जल गया, वो गाय का बच्चा जल गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम सर 2.5 लाख रुपए का। आपका शुभ नाम? रामदास। किस गांव में आग लगी थी? राव। ये बताइए, ये आग किस प्रकार से लगी है और कहां पे लगी है? आग के हमारे चाचा दीवार के कोने से लगी। क्या क्या नुकसान हुआ था? मोटर जल गई, बच्चा जल गया, गाय का बच्चा जल गया, बकरी जल गई, खटिया जल गई, पड़वा जल गई। आपका नाम? किस गांव का मामला है?